ओ भाई गाइस, ये तो सच में नेक्स्ट लेवल थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और आज मैं जो है दिवाली के लिए पटाखे लेने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी बरेली में जो 100 फुटा रोड है, आज हम वहाँ पटाखे लेने जाएंगे, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो है पटाखे सस्ते मिलते हैं, यानी कि होल सेल रेट में मिल जाते हैं। तो वैसे तो मैं हर साल मार्केट से ही पटाखे खरीद लेता था गाइस, लेकिन पहली बार आज मैं जो है 100 फुटा रोड जाने वाला हूँ। तो देखते हैं चल के कि वहाँ पे जो पटाखे हैं वो वाकई में सस्ते मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं। और इसके साथ ही गाइस, मैं आपको भी बताऊँगा कि वहाँ से आपको पटाखे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और जो प्राइस वगैरह होंगे गाइस पटाखे के, वो भी मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि मार्केट में इसके प्राइस क्या हैं और वहाँ पे कितने में प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं गाइस, देखते हैं चल के कैसा क्या है, और वहीं से गाइस थोड़ी सी दिवाली की और भी जो शॉपिंग वगैरह हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है ना गाइस? तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी बरेली और हम जो है 100 फुटा रोड के लिए निकल चुके हैं। तो हमने ऑटो पकड़ लिया है और हम सब जा रहे हैं गाइस। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम जो है 100 फुटा रोड पहुँच चुके हैं, पर यहाँ पे एक दिक्कत हो गई गाइस कि यहाँ पे जितने भी पटाखे की दुकानें हैं वो सारी बंद हैं, क्योंकि गाइस शायद पटाखों पे बैन लग चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस आ चुकी है और सारी की सारी जो दुकानें हैं गाइस वो बंद हैं। तो फालतू में हमारे चक्कर लग गए गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें हैं सारी बंद हैं पटाखे की, और ये भी एक पटाखे की दुकान है लेकिन ये खुली हुई है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी पुलिस बैठी हुई है, तो ये भी दुकान बंद करा रही है गाइस। तो पटाखों पे बैन लग चुका है। तो अभी हम जो है सियामतगंज जा रहे हैं गाइस। तो सियामतगंज पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि पटाखे वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देख लेते हैं गाइस यहाँ पे मिलते हैं नहीं। वैसे तो कोई भी दुकान नहीं दिख रही है यहाँ पे भी, चलो फिर भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सियामतगंज में भी हमें कोई पटाखा नहीं मिला, सारी की सारी दुकानें बंद थी। तो अभी हम जो है रोडवेज आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी झालरे वगैरह खरीदेंगे दिवाली के लिए। तो अभी देख रहे हैं काफ़ी सारी झालरे वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। तो देख लेते हैं पहले सारी दुकानों पे प्राइस वगैरह पूछ लेते हैं किसके कैसे क्या हैं, फिर उसके बाद गाइस खरीदेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा झालरे लगी हुई हैं गाइस, और भी आगे तक सब में झालरे दिख रही हैं। तो जो लोग भी बरेली से हैं, अगर आप भी झालरे वगैरह खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे रोडवेज आके खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कम प्राइस में मिल जाएंगी, मार्केट में अगर लेंगे तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेंगी, और तो मार्केट से लो प्राइस में यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और एक से एक बढ़िया झालर भी मिल जाएगी इस। तो अभी हम इस गली के अंदर आ चुके हैं और इस गली भी पूरी ये झालरों से देख सकते हैं आप सजी हुई है। तो अभी हम अंदर की तरफ ही जा रहे हैं गाइस और देख रहे हैं झालरे। ओ भाई गाइस, ये देखो कितनी बढ़िया झालर है, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल के बिल्कुल पटाखे लग रहे हो। सच में गाइस, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, पर इसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है गाइस। इस झालर के प्राइस हैं 1250 रुपये गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं गाइस। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसे गाइस। तो गाइस, अभी हम जो है इस दुकान पे आ चुके हैं और यहाँ से ही हम जो है झालरे वगैरह लेंगे। तो मुझे तो एक झालर पसंद आ गई है, तो वो मैं ले लेता हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पे झालरे ले लिए गाइस, और अब हम लोग जो है घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइस और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं। 10-11 बजे निकले थे और 2-3 बज चुका है गाइस, और जो मेन चीज़ थी वो तो मिली नहीं गाइस। हम पटाखे लेने गए थे तो पटाखे तो मिले ही नहीं। तो चलो गाइस, अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखो गाइस, जो मैंने जूते लिए थे, इन लोगों ने मेरे जूते की जो पॉलीथीन थी वो पूरी फाड़ के फेंक दी, और डिब्बा वगैरह था सब कुछ फेंक दिया। अब ऐसे हाथ में लेके जाने पड़ेंगे गाइस मुझे। तो फ्रेंड्स, हम जो है घर पे आ चुके हैं और ये आप सारी झालरें देख रहे हैं, ये सारी झालरें हमने खरीदी हैं। तो इसमें से कुछ झालरें जो हैं मेरी हैं और बाकी जो है मेरे दोस्त की हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइटिंग वाली है ये मेरे दोस्त ने खरीदी है, काफ़ी बढ़िया लग रही है गाइस, और ये जो है ये मैंने खरीदी गाइस। तो फ्रेंड्स, आज तो जो है काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई। पहले गाइस हम जो है 100 फुटा रोड गए थे पटाखे लेने के लिए, तो वहाँ भी पटाखे नहीं मिले। फिर सियामतगंज गए, वहाँ भी पटाखे नहीं मिले। फिर रोडवेज गए गाइस, तो गाइस कहीं भी पटाखे नहीं मिले हमें। चलो फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।